माननीय सदन के सामने यह विधेयक विनियोग क्रमांक 3 आया है और इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारतवर्ष की सिंचित पूंजी में से 1,60,00,00,000 रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उनको भारतवर्ष की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में अंकित हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कार्यों के लिए और जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है उनकी यहाँ एक सूची दी गई है। इस वर्ष 1968 की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से बजट आया है तब से भारतवर्ष में सारे किसानों के लिए और उन दूसरे मित्रों के लिए जो किसानी करते रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न रहा है और वह प्रश्न यह रहा है कि उनकी सरकार और उनके कुछ बोलने वाले जब तक यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आनी चाहिए, हाँ हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह भी कहा गया कि आराम हराम है, कभी यह कहा गया कि जय जवान जय किसान, और अब तीसरा नारा हरित क्रांति का आया है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की मंत्रिमंडल के द्वारा और कांग्रेस के अन्य मित्रों के द्वारा जो बात कही गई है वे मित्र कभी खेती करते नहीं हैं और ना खेती के बारे में जानकारी ही रखते हैं। आदरणीय, भारतवर्ष में खेती का जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है वह दो बातों के ऊपर आधारित है और यह कृषि की समस्या ना होकर खाद्य की समस्या भी है। प्रतिवर्ष हम खाद्य के रूप में बाहर से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगाते हैं और अनाज का उत्पादन करने के लिए हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की खाद मंगाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से गत 20 वर्षों में हमारे सामने बार बार कहा गया है, यह बात दोहराई गई है कि अब भारतवर्ष में हम बहुत जल्दी खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमको खाद्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेसी मित्रों ने जितने जोर जोर से यह कहा कि हम खाद्य की समस्या सुलझा रहे हैं उतनी ही खाद्य की समस्या उलझती गई है। जनसंख्या की जो बात कही जाती है उसके मामले में हम यह निवेदन करते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे योग्य मित्र श्री शील भद्र याजी को याद रखना चाहिए कि उस समय रूस के पत्र प्रावदा ने आलोचना करते हुए क्या लिखा था। उसने लिखा था कि हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि भारत में इतने आदमी बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि हमारी समस्या है इनको क्या खिलाएंगे। महोदय, शहरी लोगों को जिनके पास खेती नहीं होती है उनको सालाना 3,000 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, मगर किसानों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। अगर किसानों को 500 रुपया सालाना आमदनी होती है तो भी उन्हें उस पर भूमि राजस्व देना पड़ता है, उनको शहर वालों की तरह टैक्स में किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती है। तो यह जो अन्याय और विषमता की बात है उसको दूर किया जाना चाहिए। देहात के आदमियों को भी शहर के आदमियों के समान भूमि राजस्व में छूट दी जानी चाहिए। कुछ लोग इसके बारे में अब कहते हैं कि शहर वाले लोगों को म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, वैसा देहातियों को नहीं देना पड़ता, लेकिन उनका ऐसा कहना गलत है क्योंकि गांव का जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है या कोई भी छोटे से छोटा गृहस्थ है, उसको ग्राम पंचायत टैक्स देहातों में देना ही पड़ता है।
जब वे लोग ग्राम पंचायत टैक्स देंगे, भूमि राजस्व देंगे और फिर उसकी खेती में जो पैदावार हुई उसको बेचने के लिए जब वह शहर जला जाता है तब उसको शहरों में म्यूनिसिपैलिटी का चुंगी कर भी देना पड़ता है। इस तरह से किसानों को करों के बोझ से लाभ दिया जाता है। इसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और उसको जितनी सहूलियत हम दे सकते हैं देनी चाहिए। तब वह छोटा किसान पेट भरकर रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों को खिलाएगा और अपने देश में खेती का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेगा। नहीं तो वह अगर नाराज रहा, दुखी रहा तो हमारे देश में खेती का उत्पादन किसी हालत में नहीं बढ़ सकता। हम देखते हैं और यह हर एक को मालूम भी है कि हमारे शहरों में दिन पर दिन सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बन रही है, डामर के रास्ते बन रहे हैं। शहर की आबादी बढ़ रही है लेकिन देहातों में या गांवों में जाइए तो आप यही देखेंगे कि हमारे बाबा दादा के समय में जो मकान हमारे कच्चे थे, फूस के थे, वे आज भी वैसे के वैसे हैं। हमारे गांवों में आज भी ना बिजली है, ना डामर तथा सीमेंट की सड़क है। इस तरह की दयनीय अवस्था आज भी देहातों की है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण उसकी दरिद्रता है। खासकर जो छोटे किसान देहात में रहते हैं उन्हीं की संख्या ज़्यादा है। वहाँ पर जो छोटे छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर हैं उनकी हालत बुरी है। उपसभा अध्यक्ष महोदय, श्री भूपेश गुप्त ने बहुत बुद्धिमानी से अपनी आंतरिक बातों को घुमा फिराकर ऐसे रूप में उपस्थित किया है कि उसको हमें समझने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, परंतु मैं यह नहीं समझ सका जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है। प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है। सिर्फ इतना ही है कि इस बारे में स्पीकर को पहले से इत्तला देनी होती है कि मैं बोलूँगा।